और चलिए बड़ी खबर आपको दे, दिल्ली राजधानी में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि यमुना एक बार फिर से खतरे के निशान को पार करके बहने लगी है। सुबह 5 बजे यमुना का लेवल 205.43 मीटर दर्ज किया गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बारिश से हथनी कुंड बैराज पर पानी बढ़ने लगा था, जिसके बाद बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी दिल्ली के लिए संकट बन सकता है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर से चिंताजनक हालात बन सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह 5 बजे का ही अपडेट आपको दे रहे हैं कि यमुना का लेवल 205.43 मीटर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से जो हथनी कुंड बैराज है उसमें पानी बढ़ने लगा है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि बैराज से लगातार पानी को छोड़ा जाए और यह पानी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय, इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। मेघा, जब दिल्ली में बाढ़ का खतरा हमने देखा बीते दिनों, उस वक्त पर यमुना का लेवल करीब 208 मीटर तक पहुंचा था, यानी कि अब के लेवल में और तब के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ग्राउंड जीरो पर क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त राजधानी में? देखिए पूजा, जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आप तस्वीरें अगर देखें तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ ये यमुना का बिल्कुल निचला इलाका है और मेरे ठीक पीछे आपको यमुना की तस्वीरें नजर आएंगी। दूसरे तरफ की अगर आप तस्वीरें देखें तो ये वो इलाका है, इसको लोहा पुल कहते हैं, और इसके ठीक नीचे ये जो लोग रह रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जिनका यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर यहाँ पर रहते हैं, और ये जो पूरा इलाका आपको इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहा है ये पिछले कुछ दिनों पहले जलमग्न हो चुका था, पानी में डूब चुका था, जिसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर थी और इन लोगों को ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया गया था। लेकिन बीच में जब यमुना का जलस्तर कम हुआ तो लोग यहाँ लौट आए हैं, लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को, जो खतरे का निशान है 205.33, उसको पार करके बह रहा है, क्योंकि इस वक्त जो यमुना का जलस्तर सुबह 5 बजे के मुताबिक 205.43 है, जो कि खतरे के निशान के काफ़ी ऊपर बहने लगा। और आप सामने यमुना की एक बार अगर आप तस्वीरें देखी तो आपको वेग नज़र आएगा, पानी का बहाव देखकर आप समझ सकते हैं कि वेग कितना ज़्यादा है, और सामने मीटर की तस्वीरें बनी हुई, सामने दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, एक मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे आपको सामने जो गोल सा आकार बना हुआ है वहां पर भी मीटर निशान बना हुआ है, जिसको देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले की तस्वीरें ये जो निशान आपको सामने लकीरें नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ यहाँ भी आप जो लकीरें देख पा रहे होंगे ये लाल निशान तक आपको अगर यहाँ से तस्वीरों के माध्यम से समझ आ रहा है तो लाल निशान को पार कर चुकी है, यानी कि इस वक्त यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन दोबारा हाई अलर्ट पे है क्योंकि लोगों ने लौटना शुरू किया था, लोगों को लगता था कि वापस यमुना का जलस्तर निचले इलाकों पे चला गया है, ऐसे में लोगों ने लौटना शुरू कर दिया था। मेघा, ये समझना चाहेंगे क्योंकि बाढ़ की स्थिति जब हमने राजधानी दिल्ली में देखी थी उस वक्त पर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार प्रशासन कितना ज्यादा तैयार है? क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे, हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ा, और ये अब कितनी तैयारी है, आपको क्या लगता है प्रशासन की तरफ से? इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पे इसलिए क्योंकि प्रशासन ने लगातार लोगों को चेतावनी पहले ही से देना शुरू कर दिया है। अभी भी हमने देखा कि पूरा ऊपरी इलाका पुलिस प्रशासन वहाँ पर लोगों को निकालने का काम करे, फिर लोगों को चेतावनी दे रही है कि उन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, और जितने भी राहत शिविर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनाए गए, चाहे मैं मयूर विहार की बात करूँ या इस इलाके के ठीक ऊपर यमुना खादर का इलाका है, वो अभी भी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। यानी कि प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो प्रशासन को हाई अलर्ट पर, प्रशासन को लगता है कि अभी भी खतरा वही बनावर, जैसा कि आप देख रहे तस्वीरें, खतरा वापस से आ गया है, तो राहत शिविर केंद्र बिल्कुल सुचारू तरीके से काम कर रहे हैं। जो लोग वापस लौट आए हैं उनको चेतावनी लगातार बीच बीच में दी जा रही है कि आप यहाँ से निकल कर ऊपरी इलाकों में शिफ्ट करें, क्योंकि ये सबसे निचला इलाका है, यहाँ पानी रातों रात या कुछ घंटों के यमुना के जलस्तर के बढ़ने से यहाँ का जो पूरा इलाका है, यहाँ तक कि जिस इलाके में मैं इस वक्त खड़ी हूँ और ठीक मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखें तो ये पूरा इलाका आपको नजर आ रहा है, सामने जो पुल सा है सब कुछ पानी में डूब जाता है, ये जो पूरा इस वक्त हम जिस जमीन का प्रयोग कर रहे हैं रुकने बैठने के लिए सब कुछ पानी में जलमग्न हो जाता है, ऐसे में ये बेहद खतरनाक है। आप देखिए यहाँ जमीन, तो आप देखेंगे कि कल तक पानी यहाँ तक पहुंच चुका था, आप देखिए, तो ये तस्वीरें साफ कर रही हैं कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और इस बार प्रशासन एक्टिव मोड में है, इस बार प्रशासन पहले से ही तैयार बैठी है ताकि कोई भी दोबारा से ना देखने को मिले, वैसी हालत दोबारा ना हो। लेकिन उस वक्त पर हमने देखा था मेघा, कुछ टेम्परेरी रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे,
क्या अभी वो रिलीफ कैंप्स वैसे ही वहां पर बने हुए हैं या प्रशासन की तरफ से कुछ और तैयारी, क्योंकि अगर लोगों को वहां से विस्थापित किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप ऊपरी इलाकों में जाइए, तो वो कहां पर जाएंगे, उनके लिए क्या जगह है? देखिए पूजा, जैसे मैंने अभी बताया, जितने भी इलाके जहाँ पर राहत शिविर केंद्र पहले से बनाए गए थे, चाहे वो त्रिलोकपुरी जनकपुरी का इलाका हो, चाहे ये इलाका यमुना खादर के इलाके में आता है, ठीक इससे ऊपर यमुना खादर का इलाका हो या मयूर विहार का इलाका, इस वक्त भी राहत शिविर केंद्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़, खाना, रहना और दवाइयों की दी गई है, क्योंकि अभी भी मौसम वैसा ही बना हुआ है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, यत्नीकुंड बराज से लगातार पानी छोड़ रहा है, तो ऐसे में जितने भी राहत शिविर केंद्र थे वो काम कर रहे हैं और लोगों को यहाँ से निकाल कर जो इनके आसपास के इलाके, जैसे ये इलाके के लोगों को यमुना खादर और ऊपरी इलाकों के लोगों को अलग अलग इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। सुविधाएं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही है और इस बात का खासम खास ख्याल रखा जा रहा है कि इस बार किसी के भी जान को या मवेशियों को खासतौर पर खतरा ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो सामान वगैरह लोग लेकर, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुधमुहे बच्चे हैं। अपडेट देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आपने स्थिति किस तरीके से इस वक्त दिल्ली में फिर से एक बार खतरा मंडरा रहा है।